ऐसा माना जाता है कि यदि कोई कोबरा सांप 100 साल तक जिंदा रहे तो उसके सिर में पाए जाने वाले वेनम ग्लैंड जिसमें विष भरा रहता है वह सॉलिडिफाइड हो जाता है, यानी एक पत्थर की तरह मजबूत एक मणि बन जाता है और यह मणि बहुत ही प्रीशियस होता है और इसके बहुत सारे यूज है। यह मान्यता केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में कई सारे देशों में और कई सारे कल्चर्स में फैली हुई है। लेकिन आपको बता दे कि भारत में पाए जाने वाले इंडियन कोबरा मैक्सिमम 23 साल तक जीते हैं। कुल मिलाकर जितना अध्ययन मनुष्य ने अब तक सांपों पर किया है उसके अनुसार कोई भी सांप 100 साल तक नहीं जी सकता है। लेकिन यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी वीडियो है जिसमें नागमणि पाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जब इस बात की पड़ताल किया गया तब लोगों को यह पता चला कि कुछ सफेरे सांपों के सिर के ऊपर जहां उनकी चमड़ी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होती है वहां पर एक चीरा लगाकर उनके अंदर एक काले रंग के पत्थर को पहले से ही भर देते हैं और उसे फेविक्विक या किसी तरीके से चिपका देते हैं और लोगों को भ्रमित करने के लिए चाकू से उस स्किन को फिर से काट के वहां से पत्थर निकाल कर यह बताते हैं कि देखिए यह नागमणि है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि साइंस कहता है कि सांपों के सिर पे ऐसे कोई नागमणि नहीं होती है। ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।